हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में मेरे चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर पे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं और ज़्यादा कंटेंट डालूंगा आप सभी के लिए, तो उसको बरकरार रखते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो करंट सेटअप है, जिसको मैंने आपको बताया था कि बैकअप सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, वो दिखाता हूँ पहले। उससे पहले आप अगर आपने अभी तक मेरे पिछले सेटअप को नहीं देखा, जो मेरा एक प्रॉपर स्टूडियो था, तो मेरा स्टूडियो पहले कुछ ऐसे दिखता था जो अब नहीं है। Yes, तो ये इस तरह से मेरा स्टूडियो था, जहाँ पे प्रॉपर परफोरेटेड शीट्स थी, अंदर साउंड प्रूफिंग थी, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट था, और वो अब स्टूडियो नहीं है। एंड जो अगर कोई सोचता है कि एक स्टूडियो होना चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए, या आई डोंट नो हैवी सेटअप होना चाहिए, उस सब बातों को खारिज करते हुए मैं बताता हूँ कि बहुत महीनों से मैं एक बैकअप सेटअप पे काम कर रहा हूँ और मेरे किसी भी क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उससे भी बहुत ही उम्दा सेटअप, बहुत ही उम्दा एक आउटपुट निकलता है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं मेरे करंट सेटअप की तरफ। तो देखिए, आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी ये साउंड प्रूफ शीट्स लगी होंगी, लेकिन एक्चुअली में कितना है, दैट्स इट, बस इतना सा सेटअप। तो ये जो माइक है, ये मेरा बहुत ही प्यारा माइक, मैं इसके ये पॉप फिल्टर को हटाना नहीं चाह रहा, बट इट्स श्योर SM58 माइक जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंड चलिए हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा टाइट कर रखा है मैंने। तो ये मेरा श्योर का माइक है। अब श्योर का माइक, ये आई थिंक सो जब मैंने 8-9 साल पहले अपना करियर स्टार्ट करा था, मेरा सबसे पहला माइक था, और आज भी इट्स लाइक द मोस्ट रिलायबल माइक जो मेरे पास है, और वो आज भी मुझे हर दम साथ देता है मेरे रिकॉर्डिंग्स का। तो ये मैंने एक बॉक्स सा बनाया है, ये अमेज़न का बॉक्स लिया था, उसके अंदर ये आपको साउंड प्रूफ पैनल्स मिल जाते हैं अमेज़न पे। हालांकि ये साउंड प्रूफिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते, बट स्टिल इट कुछ ना से कुछ सही अच्छा है। जब मैंने स्टार्ट करा था अपना करियर, तो ये माइक बस बिना इस सब के मैं ऐसे ही कमरे में रख के करता था, ठीक है, रात के समय। बट अब जैसे मैंने बॉक्स बनाया है, अब इस माइक के साथ क्या चाहिए, आपको ऑडियो इंटरफेस चाहिए। तो ये उसकी XLR केबल है, और XLR केबल जा रही है इस ये साउंड इंटरफेस है मेरा ऑडियंट का ID4, और ये कनेक्टेड है मेरे सिस्टम से। तो ये आपको पूरा सेटअप दिख जाएगा, ठीक है, इतना सा सेटअप है। एंड ये मेरा मॉनिटर पड़ा है, ये हेडफोन्स हैं, नॉर्मल हेडफोन्स भी चल जाएंगे, कोई भी ले लो। ये मेरा सिस्टम हो गया, देन बाकी और ज़रूरत की चीज़ें, बस इतना सा सेटअप है मेरा, और इसमें मैं अपना सारा वॉइस ओवर का काम कर रहा हूँ। रात के समय करता हूँ मोस्टली, दिन में भी करता हूँ। मेक श्योर कि आपका पंखा फ़ैन बंद हो, आउटसाइड आवाज़ कम से कम आए, और ये क्योंकि डायनेमिक माइक है तो इसलिए बाहर की आवाज़ बहुत ही रेयरली कैच करता है। कमिंग बैक टू मी, तो अब आपने जान लिया होगा कि किस तरह से मैं एक नॉर्मल सेटअप पे भी काम कर रहा हूँ और अच्छे आउटपुट आते हैं। अगली वीडियो में हम इसी सेटअप में कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और आप सुनना कि आपको आउटपुट कैसा लगता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी वीडियोज हैं, हम बात करेंगे कि और आप बिगिनर माइक्स कौन से ले सकते हैं, एंड नेक्स्ट में आउटपुट आप खुद जान जाएंगे इस वाले सेटअप का भी कैसा होता है। और कुछ आपके सवाल हैं तो आप नीचे वीडियो में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर दूंगा उसके जवाब। एंड यार, जितना ओपन रह सकता हूँ, मेरी कोशिश है उतना ओपन रहूँ मैं आप सभी के साथ, क्या कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। नॉलेज तो ऐसी है कि जितना दूंगा ना, मुझे पता है वापस आनी है, तो उसकी कुछ मत आप सोचना कि कोई अगर मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं इस चैनल पे कुछ छुपाऊंगा या नहीं बताऊंगा, नहीं। मेरी ट्रेनिंग में जो मेजर फर्क आता है, वो सिर्फ ये आता है कि मेरा जो पर्सनल गाइडेंस होती है वो रहती है उसमें, जो मेरा टाइम है, ठीक है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होती है, बाकी नॉलेज वाइज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे भी आपको कोई कमी ना मिले, और आप इस चैनल के थ्रू ही आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, चिल करिए, बाय बाय।